वेरी डिफिकल्ट, हमारी बीमारी से हमारा जीवन बहुत खराब हो जाता है एंड वी कीप डूइंग थिंग्स विच कैन मेक आर लाइफ इन डेंजर, लाइक फ्यू ऑफ अस विल स्टॉप ईटिंग, 3 से 5 दिन तक खाना ही नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग केवल नशा कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया भाई दिस एक्शन इज नॉट गुड फॉर यू बट वी विल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, सो ऑल दैट मेक आर लाइफ इन डेंजर. नाउ व्हेन द फैमिली सीज अस गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ ए बिहेवियर दे गो इन कंप्लीट पैनिक सिचुएशन एंड दे ट्राई टू सी कि किस तरह से आप लोगों को बचा सकते. सो क्या हो रहा है, हम लोगों का बिहेवियर कुछ गड़बड़ा जाता है और हम अपने अच्छे बुरे का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उस टाइम में हमारी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें लगता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं उससे हमारी जान को खतरा है, हम कुछ गलत कर बैठे. इस हालात में जब फैमिली को ये फियर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पे लेके आते हैं कि किसी तरह से आपको सिक्योर किया जा सके, आपको ठीक रखा जा सके. मगर इन सब ये स्टार्टिंग और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फैमिली बहुत अपनी तरफ से एफर्ट करती है कि आपकी मदद कर पाए और जब वो मदद नहीं कर पाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और कुछ ये पैनिक जैसी सिचुएशन हर घंटे हर मिनट होने लगे. हम लोग अपनी बीमारी से बीमार होते हैं और हमारी फैमिली हम लोगों को प्रोटेक्ट कर करके बीमार हो जाते हैं. बट अल्टीमेटली दीज काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम अफेक्ट ईच वन ऑफ अस एंड ग्रेजुअली आवर होल फैमिली बिकम डिस्टर्ब. Now for healing also, our family and us, all of us need help. अगर हमें ठीक होना है तो सब लोगों को मदद की ज़रूरत है, तभी हम लोग बेटर हो सकते हैं. ठीक है, सो वी स्टॉप हियर. बाय.